गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में 6 यूनिट ईमेल सिक्योरिटी के अंतर्गत लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी SMIME। SMIME ईमेल के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोटोकॉल MIME प्रोटोकॉल का इन्हांस्ड वर्जन है। तो SMIME प्रोटोकॉल का जो निर्माण है वो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, खास करके ईमेल के लिए। और ये MIME प्रोटोकॉल का नेक्स्ट वर्जन है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्रिप्टोग्राफिक मैसेज सिंटेक्स यानी CMS। MIME कंटेंट टाइप में सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे कि कॉन्फिडेंटली और इंटीग्रिटी डिफाइन करने के लिए SMIME द्वारा CMS डिफाइन किया गया। कॉन्फिडेंटली और इंटीग्रिटी को डिफाइन करने के लिए CMS का डिज़ाइन इसमें किया गया है। प्रत्येक केस का सिंटेक्स, प्रत्येक कंटेंट टाइप की एग्जैक्ट एनकोडिंग स्कीम डिफाइन करता है। SMIME निम्न कंटेंट टाइप को डिफाइन करता है। अब SMIME के द्वारा जो कंटेंट टाइप डिफाइन किए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है डेटा कंटेंट टाइप। यह एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग है तथा इसमें क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को डेटा कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है साइंड डेटा कंटेंट टाइप। यह केवल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और यह केवल डेटा टाइप की तथा जीरो और मोर सिग्नेचर वैल्यू रखता है। यह डेटा टाइप तथा जीरो और मोर सिग्नेचर वैल्यू अपने साथ रखता है तथा किसी ऑब्जेक्ट का एनकोडेड रिजल्ट साइन डेटा कहलाता है। साइन डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो की जाती हैं। पहली है इसमें प्रत्येक साइनर के लिए स्पेसिफिक हैश एल्गोरिदम यूज में लेते हुए डेटा कंटेंट मैसेज डिजेस्ट क्रिएट करता है। दूसरा, प्रत्येक मैसेज डिजेस्ट को साइनर की प्राइवेट की में साइन या इनक्रिप्ट किया जाता है। तो मैसेज डिजेस्ट होगा उसको साइनर की प्राइवेट की से साइन या इनक्रिप्ट किया जाएगा। थर्ड, साइन डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंटेंट सिग्नेचर वैल्यू सर्टिफिकेट तथा एल्गोरिदम को कलेक्ट किया जाता है। अब साइन डेटा ऑब्जेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कंटेंट, उसकी सिग्नेचर वैल्यू, सर्टिफिकेट तथा एल्गोरिदम, इन सब को कलेक्ट किया जाता है। नोट, इस केस में कंटेंट का पर्सनल मैसेज होना आवश्यक नहीं है। यह वह डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसकी इंटीग्रिटी प्रिजर्व करना सुरक्षित हो। अब ये कह रहा है कि कंटेंट जो है वो पर्सनल हो तभी ये सब करना पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट भी आ सकते हैं जिनकी इंटीग्रिटी प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना ज़रूरी होता हो। अब नीचे एक डायग्राम में दिखाया गया है, इस ब्लॉक डायग्राम में इस पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। देखिए, कंटेंट एनी टाइप, किसी भी टाइप का कंटेंट, उस पे ऊपर दर्शाया गया हैश एल्गोरिदम और हैश एल्गोरिदम से डिजेस्ट क्रिएट होता है। उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, और डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम में आगे वाले बॉक्स में दिखाया गया सिग्नेचर, सर्टिफिकेट और एल्गोरिदम। ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई, सिग्नेचर भी आ गया, सर्टिफिकेट और जो एल्गोरिदम इन्फॉर्मेशन है वो भी आ गई। अब हैश एल्गोरिदम से आप डिजेस्ट क्रिएट करते हो, वहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम आया। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम से क्या आया? सिग्नेचर, सर्टिफिकेट और एल्गोरिदम, और ये कंटेंट एनी टाइप यहाँ से इसके साथ ऐड कर दिया गया है। तो ये जो डायग्राम है वो दर्शाता है साइन डेटा को। डेटा को साइन कैसे किया जाता है? तो साइन किया जाता है हैश एल्गोरिदम की मदद से। नेक्स्ट इसमें दिया गया है एनवलप्ड
डेटा कंटेंट टाइप। इस टाइप का यूज मैसेज को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अगर आपको मैसेज को प्राइवेट रखना है तो फिर आपको एनवलप डेटा कंटेंट टाइप यूज में लेना पड़ेगा। यह टाइप मैसेज के साथ जीरो और मोर एनक्रिप्टेड कीज तथा सर्टिफिकेट रखता है। इस टाइप में मैसेज के साथ या तो कोई एनक्रिप्टेड की नहीं होगी या एक से अधिक एनक्रिप्टेड की और सर्टिफिकेट रखे जाएंगे। इस टाइप का एनकोडेड रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एनवलप्ड डेटा कहलाता है। इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो की जाती हैं। तो पहले तो इसमें सिमेट्रिक की एल्गोरिदम के लिए सेशन की क्रिएट की जाती है। यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज में लिया जाएगा एनक्रिप्शन के लिए वो होगा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम के लिए पहले सेशन की क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रत्येक रिसिपेंट्स यानी प्राप्तकर्ता के लिए रिसिपेंट्स की पब्लिक की से में कॉपी ऑफ सेशन की से एनक्रिप्ट किया जाता है। पूर्व डिफाइन एल्गोरिदम तथा क्रिएटेड सेशन की द्वारा कंटेंट को एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्टेड कंटेंट, एनक्रिप्टेड सेशन कीज, एल्गोरिदम यूज्ड तथा सर्टिफिकेट को रेडिक्स 64 द्वारा एनकोड किया जाता है। इस केस में वन और मोर रिसिपिएंट हो सकते हैं। तो ये आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हो गई एनवलप डेटा टाइप। नेक्स्ट इसमें है डिजेस्टेड डेटा कंटेंट टाइप। इस टाइप का उपयोग मैसेज इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। एनवलप में तो प्राइवेसी के लिए और ये इंटीग्रिटी के लिए। इस टाइप के रिजल्ट का उपयोग एनवलप डेटा कंटेंट टाइप के लिए कंटेंट के रूप में किया जाता है। एनकोडेड रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि डिजेस्ट डेटा कहलाता है। इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। कंटेंट से मैसेज डिजेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आएगा मैसेज डिजेस्ट एल्गोरिदम तथा कंटेंट को एक साथ ऐड करके डिजेस्टेड डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे कंटेंट एनी टाइप, हैश एल्गोरिदम और डिजेस्ट बन गया। फिर डिजेस्ट और हैश एल्गोरिदम के साथ कंटेंट को ऐड कर दिया जाता है और इससे आपको डिजेस्टेड डेटा ऑब्जेक्ट टाइप मिल जाता है। अब ये इस डायग्राम में पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। एनवलप्ड डेटा कंटेंट टाइप जो अपन ने ऊपर पढ़ा था उसका डायग्राम है। यहाँ पे सेशन की क्रिएट की गई है पहले। सेशन की के बाद में पब्लिक की सिफर यूज़ में लिए गए हैं जो भी आपका रिसिपिएंट होता है उसके। एनक्रिप्ट विद पब्लिक की ऑफ रिसिपिएंट आई, जो भी रिसिपिएंट आई है उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया जाएगा। कंटेंट एनी टाइप, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज में लेते हुए एनक्रिप्टेड कंटेंट बना दिया जाएगा, नीचे नीचे दर्शाया गया है। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से रिसिपिएंट आइडेंटिफिकेशन, पब्लिक की और सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट डेटा है वो, और एनक्रिप्टेड सेशन की, ऐसे ही जितने भी आपके रिसिपिएंट हैं उन सब की ये सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी और इन सब को कलेक्ट करके एनवलप डेटा बनाया जाता है। डिजेस्ट डेटा अपन ने अभी देखा ही है। नेक्स्ट इसमें है एनक्रिप्टेड डेटा कंटेंट टाइप। इस टाइप का यूज किसी कंटेंट का एनक्रिप्टेड वर्जन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जब आपको एनक्रिप्टेड वर्जन चाहिए डेटा का तो इस टाइप का उपयोग किया जाएगा। इस टाइप में कोई रिसिपिएंट नहीं होता। इसका उपयोग एनक्रिप्टेड डेटा को ट्रांसमिट करने की बजाय स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के बजाय उसको स्टोर करने के लिए इस टाइप का उपयोग किया जाता है। यानी आप कहीं भेज नहीं रहे हो डेटा को, उसको स्टोर कर रहे हो। इसके अंतर्गत यूजर किसी एल्गोरिदम तथा की द्वारा कंटेंट को एनक्रिप्ट करता है तथा इस एनक्रिप्टेड कंटेंट को बिना की और एल्गोरिदम इंक्लूड किए स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे खास बात यह है कि एनक्रिप्टेड कंटेंट के साथ कोई की और एल्गोरिदम इंक्लूड नहीं होता है। इस प्रक्रिया में क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट इनक्रिप्टेड डेटा कहलाता है।
नेक्स्ट इसमें है ऑथेंटिकेटेड डेटा कंटेंट टाइप। इस टाइप का यूज़ ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेटेड डेटा कहलाता है। इस टाइप में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो की जाती है। पहला, जनरेटर की मदद से प्रत्येक रिसिप्टेंट मैक की जनरेट की जाती है। प्रत्येक रिसिप्टेंट के लिए रिसिप्टेंट की पब्लिक की से मैक की को एनक्रिप्ट किया जाता है। फिर थर्ड वन है, कंटेंट का मैक क्रिएट किया जाता है। की का मैक बनाओ, उसके बाद में कंटेंट का, कंटेंट कोमा मैक एल्गोरिज्म तथा अन्य एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऑथेंटिकेटेड डेटा क्रिएट किया जाता है। ये देखिए प्रक्रिया दर्शाई गई है, जिसके अंदर दर्शाया गया कंटेंट किसी भी टाइप का हो, मैक एल्गोरिज्म और पब्लिक की रिसिप्टेंट की उनकी मदद से मैक सर्टिफिकेट एल्गोरिदम और सेशन की इन सबको तैयार किया जाता है प्रत्येक रिसिप्टेंट के लिए। फिर इस कंटेंट का मैक एल्गोरिदम की मदद से मैक बनाया जाता है, वो भी ऐड किया जाता है हर स्टेप में। और फिर इस कंटेंट के साथ इन सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करके ऑथेंटिकेटेड डेटा टाइप क्रिएट किया जाता है। अगला इसमें है की मैनेजमेंट। SMIME में की मैनेजमेंट X.509 तथा PGP के की मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे X.509 और PGP के की मैनेजमेंट का ही कॉम्बिनेशन होता है। SMIME X.509 द्वारा डिफाइंड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ द्वारा साइन किए गए पब्लिक की सर्टिफिकेट का यूज करता है तथा यूज़र वेब मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि PGP द्वारा डिफाइन सिग्नेचर वेरिफिकेशन द्वारा होता है। नेक्स्ट इसमें है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। SMIME विभिन्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम डिफाइन करता है जिनका उपयोग सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। एप्लीकेशन ऑफ SMIME का यूज़ कमर्शियल ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक SMIME कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी कवर हो गया पूरा। धन्यवाद।